भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मुकाबलों के सीरीज की शुरुआत 25 तारीख से होगी, लेकिन उससे पहले बीसीसीआई ने एक अच्छी खबर दी है। अगर आप रिंकू सिंह के फैन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर दी है। बीसीसीआई ने नई टेस्ट टीम का ऐलान किया है जिसमें रिंकू सिंह को भी मौका मिला है। तिलक वर्मा भी इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन सरप्राइज करने वाली बात है कि यहां पर भी ईशान किशन नजर नहीं आ रहे। कौन सी ये टीम है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि भारत और इंग्लैंड की ऑफिशियल जो टेस्ट है वो तो शुरू हो जाएंगे 25 तारीख से, लेकिन उससे पहले अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबलों की बात कर ली जाए तो एक मुकाबला इस वक्त चल रहा है जिसमें रजत पाटीदार ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन दूसरे और तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए जो खेला जाएगा अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ, उसके लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड का ऐलान किया जिसमें रिंकू सिंह और रजत पाटीदार तो हैं इस टीम में। रिंकू दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए नहीं है बल्कि तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए हैं। तो क्या है टीम वो आपको बता देते हैं। दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर अभिमन्यु ईश्वरन कप्तान रहेंगे, साई सुदर्शन हो गए, इसके अलावा अगर आप देखें तो रजत पाटीदार, सरफराज खान, तिलक वर्मा, कुमार कुशाग्रा और इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, सौरभ कुमार, अर्शदीप सिंह, तुषार देशपांडे, विद्वत कविरप्पा, उपेंद्र यादव ये भी एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, आकाशदीप और यश दयाल ये दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबले के लिए टीम में रहने वाले। लेकिन तीसरी की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर आपको रिंकू सिंह दिखाई देंगे जो इस वक्त रणजी के लिए भी चले गए हैं। तीसरे टेस्ट मुकाबले की कप्तानी अभिमन्यु ईश्वरन कर रहे हैं, साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, कुमार कुशाग्रा, वॉशिंगटन सुंदर, शम्स मुलानी, इसके अलावा अगर आप देखें अर्शदीप सिंह, तुषार देशपांडे, विद्वत कविरप्पा, उपेंद्र यादव, आकाशदीप, यश दयाल, यहां पर ये टीम का हिस्सा होंगे, यानी कि रिंकू दूसरे वाले में हिस्सा होंगे। और एक साफ तौर पर एक संकेत भी कि अगर रिंकू सिंह को बीसीसीआई यहां पर मौका दे रही है तो वो टेस्ट टीम के रडार में भी बीसीसीआई के रिंकू सिंह भी हैं। तो ये रिंकू के फैंस के लिए अच्छी खबर है क्योंकि हाल ही में जो रणजी में उन्होंने मुकाबला खेला था वहां पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन भी किया था। ये जो अनऑफिशियल मुकाबले हैं, पहला तो अगर आप देखें तो ये शुरू हो जाएगा, एक तो चल ही रहा है और एक 25 से पहले हो जाएगा और बाकी एक फरवरी में शुरू होगा। तो ये दो मुकाबले रहेंगे, इनके प्रदर्शनों को जरूर देखा जाएगा। लेकिन एक और खबर रहेगी यहां पर कि ईशान किशन को लेकर, कि ईशान को यहां पर भी मौका नहीं दिया गया, आराम की जो उनकी लिस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर आप क्या क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन रिंकू पर आपकी क्या है, क्या वो टेस्ट टीम में बनने लायक हैं, क्या वो टेस्ट टीम का हिस्सा बनने लायक है, कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।